हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू प्रसादम। बेसन में सूजी डाल दिया है थोड़ा सा, इसे एक बार इस तरह से मिलाएंगे। 200 ग्राम बेसन, थोड़ा सा सूजी और थोड़ा सा शक्कर, इन तीनों को अच्छे से मिलाएंगे। ने मिला दिया है। अब दूध डाल के दूध भी अच्छे से मिलाएंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, ज़्यादा पतला नहीं है। इसे ढक के अभी बाजू में रख देंगे। एक बाउल लिया है बड़ा सा, उसमें मैंने 200 ग्राम शुगर डाला है। थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। गैस ऑन कर दिया है। शक्कर अच्छे से पिघलना चाहिए, शुगर जो है अच्छे से पिघलना चाहिए। थोड़ा सा दूध डाला था। शुगर जो है मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम इलायची डाल दिया है। गैस बंद करके नीचे उतार दिया है। इसमें मैं खाने वाला कर्पूर रहता है ना, वो थोड़ा सा डाल रही हूँ। एक बड़े से कढ़ाई में मैंने घी लिया था और घी अभी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम अपना बूंदी जो है डालेंगे। एक झारा लिया है, अब इसमें हम मिलाए सो बेसन जो है वो डाल रहे हैं। देखिए नीचे गिर रहा है। ये देखिए, लाइट कलर आने के बाद हम इसे निकाल देंगे। इसी तरह से पूरा बूंदी जो है हम बना लेंगे। हमारा बूंदी जो है बन के रेडी हो गया है। थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश, थोड़ा सा मिश्री और थोड़ा सा इसी में से बूंदी लेके ग्राइंड किया था मैंने। अब जो है इस शुगर सिरप में हम सारा कुछ डाल देंगे। एक ग्राइंड किया सो इसे भी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे अच्छे से मिला दिया है। इसे ठंडे होने के लिए बाजू में रख देंगे। उससे पहले ये लास्ट में मिश्री पे डाल दिया है। इसे इसी तरह से बाजू में रख देंगे। बाद में एक बार अच्छे से मिला के ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बनाएंगे। थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसे हम इसके लड्डू बनाएंगे। एक बार अच्छे से मिला के ये देखिए, इस तरह से हमारे लड्डू जो है बन गए हैं। ये देखिए, ये भगवान के प्रसाद के लिए मैंने बनाया था। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।